नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ सोनिया। इस समय तस्वीरें दिखा रही हूँ सिरसा के गोल्ड की चौक की। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अब जो कांग्रेस भवन है वो बिल्कुल ही पास है, उसके बिल्कुल सामने आपको कार्यकर्ता दिख रहे हैं कांग्रेस के। जबकि आपको दिखा दें कि इतनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स इसलिए लगाई गई है कि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भाजपा के कार्यकर्ता जो है बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। आप देखेंगे कि आज पूरे देश में जो भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐलान किया गया था कि जो कांग्रेस है उसका विरोध किया जाएगा, उसी के चलते आप देख रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने हो चुकी हैं। जबकि एक बयानबाजी को लेकर के ये सारा विरोध बढ़ा था, जो पंजाब में इस तरह की बयानबाजी हुई है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर फोर्सेस लगाई गई हैं। पुलिस बल काफ़ी ज़्यादा मौजूद है यहाँ पर, खुद मौके पर अधिकारी भी मौजूद है। इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर आपको फोर्स दिखाई देगी। डीएसपी एसपी सभी यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। कांग्रेस और भाजपा बिल्कुल आमने सामने आ चुकी है। जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा को कांग्रेस के जो भवन है, कांग्रेस भवन है, उसके आगे नहीं जाने दिया जाएगा। काफ़ी संख्या में पुलिस यहां पर है। किसी तरह की कोई और आगे की अपडेट होगी वो भी आपको देंगे। और इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में पुलिस बल और फोर्स यहां पर लगाई गई है, ताकि जो भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता है आपस में ना भिड़ जाए। बिल्कुल आमने सामने की स्थिति अभी इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर बनी हुई है, और किस तरह से विरोध चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और हर अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा, वो किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, व्यापार विरोधी सरकार है। आज उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ने वाले, व्यापारी और मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस भवन के घेराव की बात करी थी। कांग्रेस का प्रत्येक जन गरीबों के साथ खड़ा था, गरीबों के साथ खड़ा है और गरीबों के साथ खड़ा रहेगा। किसान की लड़ाई लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। किसानों पर अत्याचार नहीं होने देगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमने चेतावनी दी थी कि आप किसान विरोधी एक कदम भी कांग्रेस भवन के दफ्तर के आगे से आप गुजर के दिखा दो, हम पार्टी के अंदर आपको नतमस्तक कर लेंगे। और उनकी यही चौक के अंदर एक कदम भी आगे हमने उनको नहीं बढ़ने दिया है। किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। मजदूर की लड़ाई लड़ी है, लड़ते रहेंगे जब तक मजदूरों को न्याय नहीं मिलेगा। व्यापारियों के लिए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कांग्रेस का प्रत्येक जन चलता है। ये तीनों की विरोधी सरकार को उखाड़ करके बहुत जल्द फेंकने का काम करेंगे और फिर से राम राज्य आएगा। कांग्रेस का समानता का, सभी धर्मों को सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा, ये हमारा वादा। कांग्रेस किसानों की लड़ाई लड़ रही है, ये किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं तीन काले कानून के माध्यम से। और को जो किसानों की मांग है कि तीनों काले कानून वापिस लो, एमएसपी पर कानून बनाओ, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। और उनके इस पे बात को लेकर के उनके पेट में दर्द है, और ये पेट का दर्द जो है वो गले में से उफान होकर के बाहर आ रहा है। गिद्दड़ की मौत जब आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, इनकी मौत आई है तो वो गाँव की तरफ भाग रहे हैं। और ये बहुत जल्दी गाँव के किसान, मजदूर और व्यापारी मिल करके इनका सर्वनाश करेंगे। और ये समय जो है एक एक दिन इनका गिनती का है। इन्होंने पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, अनाज के दाम, हर चीज़ के दाम चंद लोगों के हाथ में दे करके सारे हिंदुस्तान को गिरवी रख दिया। अंग्रेजों की लड़ाई गोरों की लड़ाई थी, वो भी कांग्रेस ने लड़ी थी, और अब ये काड़ों की लड़ाई है, ये देश के अंदर रह करके चोरों की लड़ाई है। कांग्रेस का प्रत्येक सिपाही इस लड़ाई को लड़ेगा और जीतेगा, ये हमें आत्मविश्वास है। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कर्मचारी विरोधी नरेंद्र मोदी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। व्यापारी विरोधी नरेंद्र मोदी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मजदूर पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर जी ने जो होशियारपुर के अंदर अपनी सभा में कहा कि सभी ये धरने प्रदर्शन हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर ले जाएं, कांग्रेस ने जो अपने दिल में और दिमाग में सदा रखती है देश को बांटने का काम, वो उसके नुमाइंदे के माध्यम से उन्होंने की बात जुबान पर आ गई। ऐसी विरोधी कांग्रेस का आज पूरे
हरियाणा के अंदर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर कांग्रेस भवनों का घेराव हो रहा है और उनसे आह्वान किया जा रहा है जो ये राष्ट्र विरोधी कांग्रेस पार्टी है इसको आप छोड़िए और राष्ट्र हित में भाजपा के साथ आइए।